भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 58वीं पुण्यतिथि पर किया याद सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति थे। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बरेली कायस्थ चेतना मंच की एक श्रद्धांजलि सभा। भारत रत्न देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 58वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए रविवार को उपजा प्रेस क्लब में हुई सभा की अध्यक्षता करते हुए मंच के अध्यक्ष संजय सक्सेना ने कहा कि बाबू राजेंद्र प्रसाद सरलता, शालीनता और सादगी की प्रतिमूर्ति थे। उनकी इन विशेषताओं के लिए आज भी हम उनका श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। महासचिव अमित सक्सेना, अखिलेश कुमार, मुकेश सक्सेना ने भी उनकी तीव्र प्रतिभा के बारे में प्रकाश डाला। निर्भय सक्सेना ने कहा कि कई बार सिद्धांतों की वजह से उनका टकराव तत्कालीन प्रधानमंत्री से भी हुआ। सभा का संचालन सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने किया। 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सभा में अशोक सक्सेना, वीरेंद्र सक्सेना, सुधीर मोहन सहित कई लीग उपस्थित रहे। बोल बरेली चैनल, चैनल पे न्यूज विज्ञापन के लिए व्हाट्सएप करें -8,79,16,29,649। ये है हम लोग के समाज का दुर्भाग्य कह लो या पूरे समाज का दुर्भाग्य कह लो कि नेहरू जी के समय में ये व्यक्ति पैदा हुए तो उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एक बात, यही व्यक्ति ऐसे जिनको दोबारा राष्ट्रपति बने, अभी आज तो कोई नहीं बना दोबारा राष्ट्रपति। और आखिर में आने के बाद अपने घर से भी धनाटे थे, ऐसा नहीं थे कि दंगे भुक्के घर से थे, अपने घर से धनाटे थे। वहां का जो बिहार का पटना का जो घर है, जो वहां की रियासत थी एक छोटी सी, उसके अपने आप को मालिक थे, सब कुछ था। उसके बाद 8x8 के कमरे में उनकी डेथ हुई, वो भी सीलन के चक्कर में। सोच के तो देखो आप, सीलन के चक्कर में राष्ट्रपति की डेथ हुई थी। हवेली कहते हैं, बड़ौदा महाराजों ने हवेली दी थी रहने के लिए कि हमारे यहाँ का काम काज करेंगे आके। सिर्फ इसलिए उन्हें कारिंदा बना के भेजा गया था। वो कारिंदे के चक्कर में उन्हें, वो जब तक वहां पर रहे जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं हो, जब हिंदुस्तान आजाद हो गया उन्होंने इतनी बड़ी साजिश करी थी कि हमारा समाज को अलग से स्थान मिलना चाहिए। जैसे मुस्लिम अपने आप को समाज में अलग स्थान मांग रहा था, वैसे उन्होंने अपने समाज के लिए स्थान अलग मांग रहा था। इसीलिए लिखवाया गया था।